हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस को हमने वाइट एंड पिंक कलर में बनाया है। ये हमने वाइट कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है और ये हमने पिंक कलर की लेस ली है। और ये हमारी ड्रेस के साथ हमने मुकुट बनाया है। ये बनाने में काफ़ी ईजी है। ये हमने हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। हमने चोली को ड्रेस के साथ अटैच करके लिया है। आप चाहे तो चोली को अलग भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमें ड्रेस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये वाइट कलर का फैब्रिक लिया है और ये हमने लेस का यूज़ करेंगे। पिंक कलर की लेस ली है हमने। अब हम फैब्रिक को कट करके ले लेते हैं। ये देखिए, हमने फैब्रिक को कट करके ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 50 इंच रखी है। देखिए, सबसे पहले हमें इसे इसके किनारों को ऐसे फोल्ड दे देना है दोनों साइड से, बिल्कुल ऐसे देखिए। और हमें यहाँ से नीचे से ड्रेस को ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड देना है। फोल्ड देने के बाद हमें लेस को यहाँ ऐसे लगा लेना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे लेस को लगाते जाना है पूरे में। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड दे देते हैं और लेस को भी लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके किनारों को फोल्ड करके ले लिया है दोनों साइड से और हमने इसके यहाँ नीचे की साइड में लेस भी लगा ली है। अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। देखिए, हमें प्लेट्स ऐसे डालनी है। देखिए, ऐसे करते जाना है और हमें प्लेट्स डालते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। और एक एक सिलाई हमें यहाँ देते जाना है। तो चलिए अब हम इसके अंदर प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर प्लेट्स डाल ली है। अब हमें यहाँ के लिए नेफा रेडी करना है। ये देखिए, ये हमने पट्टी ली है, इसे हमें यहाँ ऐसे फोल्ड देना है और इसे हमें यहाँ पूरे में ऐसे लगा लेना है। ये देखिए, पूरे में हमें ऐसे लगा लेना है और इस साइड से भी हमें ऐसे फोल्ड देना है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ लगा लेते हैं। ये हमने पट्टी को स्कर्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये डोरी ली है, डोरी को हमें ऐसे डालना है। इसे हमें एक फोल्ड ऐसे देना है और फिर हमें ऐसे सेकेंड फोल्ड देना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए अब हम इसमें पूरे में फोल्ड दे देते हैं। ये देखिए, हमने इसे फोल्ड दे दिया है और हमने इसके अंदर डोरी भी डाल ली है। ये हमारी स्कर्ट बनके रेडी हो गई है। अब हम स्कर्ट के लिए टॉप रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए हमने ये लेस ली है जिसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। थोड़ा सा नीचे चुभने वाला है इसलिए हम नीचे कॉटन का फैब्रिक यूज़ करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे। अब हमें एक एक सिलाई यहाँ पे और यहाँ पे दे देनी है। तो चलिए अब हम इसे ऐसे सिलाई दे देते हैं। ये हमने इसके साथ कॉटन के एक फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 2 इंच ली है और चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। अब हमें इसे यहाँ ऐसे रखना है और हमें इसे ऐसे यहाँ करके ऐसे फोल्ड दे देना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए अब हम इसमें फोल्ड दे देते हैं। ये देखिए, हमने इसे यहाँ ऐसे फोल्ड दे दिया है। ये देखिए, हमने अब ली है जिसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 1-1 इंच ली है। ये अब हमें एक पट्टी को लेना है, ऐसे यहाँ रखे हमें पट्टी को यहाँ ऐसे सिलाई दे देनी है। फिर हमें पट्टी को ऐसे फोल्ड देने के बाद ऐसे एक और फोल्ड देना है और हमें ऐसे रेडी कर लेना है। यहाँ से भी हमें ऐसे फोल्ड देना है। देखिए, बिल्कुल हमें ऐसे इसे फोल्ड दे देना है पूरे में। तो चलिए अब हमें इसे दोनों साइड में फोल्ड दे देते हैं। देखिए, हमने इस दोनों साइड में पट्टी को अटैच कर लिया है। और ये हमारे, देखिए, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। अब हम हमारे टॉप को चोली के साथ अटैच करेंगे। देखिए, बिल्कुल मिडल में हमें यहाँ ऐसे चोली को टॉप के साथ अटैच कर देना है। देखिए, यहाँ एक एक सिलाई दे देनी है हमें।
और टॉप हमारी स्कर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए हमने हमारी स्कर्ट के साथ टॉप को अटैच कर लिया है। अब हम हमारी ड्रेस के लिए मुकुट रेडी करेंगे। कि मुकुट रेडी करने के लिए हमने ये लेस ली है जिसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है। हमने हमारे कान्हा जी के मुकुट के साइज का लिया है, उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें इसे ऐसे करना है और हमें इसे यहाँ ऐसे सिलाई दे देनी है, या फिर आप ग्लू गन की हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर से हमें इसे ऐसे फोल्ड दे देना है, देखिए बिल्कुल ऐसे। देखिए ये हमारा मुकुट बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे यहाँ ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें सिलाई भी दे सकते हैं। देखिए हमने हमारा मुकुट रेडी कर लिया है, हमने इसे फेविबॉन्ड की हेल्प से यहाँ पेस्ट कर दिया है। देखिए हमारा मुकुट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है।